एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी यशमा और आज है 7th of September एंड आज मैं अभी गई थी अपने काम पे। तो अभी मैं काम से आ रही थी तो कल ना दीदी का बर्थडे है 8th of September को। अब वो बूढ़ी हो चुकी है तो उसके लिए मैं ना केक लेके आई थी अभी, तो मैं वहाँ पे फिल्म करना भूल गई। अब मैं इस शॉप में आई हूँ, यहाँ पे ये ना गिफ्ट शॉप है बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है गिफ्ट के लायक। लाइक बर्थडे से रिलेटेड है बट गिफ्ट के लायक कुछ भी नहीं है। तो ये था वो केक जो मैं लेके आई थी, मैं वहाँ पे बनाना भूल गई थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी काम से आके। और हमेशा की तरह मैंने सेम पहन रखा है, वही वाला नाइट सूट। और मैं भी सो के उठी हूँ बाय द वे, तो मुझे इग्नोर करना क्योंकि मैं काम से आके बहुत थक गई थी। कैसा लगा, सरप्राइज हो गए थे सच में? आपको पता नहीं चला? सच में नहीं पता चला? फ्रिज तो मैंने खोला था पर ये अंधी है, ये अंधी। मैंने वहीं पे तो रखा था पॉलिथिन में। मैं भी शायद इसमें वो सब प्रिंट नहीं बना था इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया नीचे। बर्थडे टू यू, बहुत हवा चल रही है और आज बारिश भी आई थी। मतलब जैसा प्लान किया था वैसा तो नहीं है, बर्थडे कोई बात नहीं, हमारा अनप्लान ही तो मस्त मस्त हो रहा है। अभी रात के 12 बज रहे हैं और मैं लेकर आई थी ये फुल जेडी। मेरे लिए क्या क्या लेके आती है, हर साल लेके आती है कुछ ना कुछ, पर कोई गिफ्ट ये नहीं लाई पर कोई गिफ्ट आजकल ना मैं बहुत ही वेट लिफ्ट करती हूँ इसलिए मैंने रेशमा को उठा लिया है। जलते भाई मेरे हाथ में ठंड लग रही है हाथ में, सही में मेरे हाथ, गाइस मेरे हाथ हो गए। सुन मेरे पीछे पीछे Hey guys, good morning. We are going somewhere to celebrate my birthday. Actually, वो कल था but कल बहुत ही मतलब मौसम इट्स नॉट गुड, तो कल बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी तो फिर इसलिए हम घर पे ही थे। और बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत अच्छा व्लॉग आएगा, लाइक लिटरली मुझे पता ही नहीं था कि इतने सारे लोग देखते हैं। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आज का दिन अच्छा हो और कुछ ना कुछ तो दिखाने लायक हो और इसको मतलब स्पेशल व्लॉग में कन्वर्ट करें। एंड रेशमा इज़ हियर, सो लग रही हूँ ना? हाँ लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप ही का बर्थडे है। आई नो, नॉर्मल कपड़े पहन के, जैसे आपको पता है आई एम अ वेरी सिंपल नॉर्मल गर्ल। वेरी गुड। ये किससे उधार लिए दीदी? ये सब उधार के कपड़े यार, भाड़े में देना है आफ्टर व्लॉग तो आप समझ सकते हो आपकी रोशनी ऐसी वैसी नहीं है, बहुत गरीब है। सो वी आर गोइंग और हमारे पिताश्री आज हमें छोड़ेंगे। यप, भला हो हमारे पिताश्री का जो पहली बार हमें छोड़ने जा रहे हैं। इसमें पता भी चल सकता है कि हम किस एंगल में बना रहे हैं। इस ये वाला देखना, इसमें ना मिरर भी है। ओह मेरे को नहीं पता था, आपने पहले भी नोटिस किए थे? यप, आई एम अ प्रो यू नो। ओह वाओ कितना अच्छा है। हाँ लेकिन ये बैग क्यों है, आजकल एस्थेटिक है ना। रेडी गाइस फॉर डिजास्टर। ये वो लग रही है 90s की। हम यहाँ पर आए हैं, आई थिंक ये थ्रिफ्टेड शॉप है, आई डोंट नो बट यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। कितने सस्ते और बहुत सस्ते हैं, लाइक ये 15 का था अब $8 हो गया जो कि 400 का। क्या खरीद रहे हो?
पैंट क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गया दूसरों के कपड़े उठा। चुप रहो, डाउन टू अर्थ नहीं, इसको गरीब बोलते हैं, ये गरीब है। गरीब होना गलत बात नहीं है, गरीब बनना तो ये गरीब बनती है, बता आप लोग का। मुझे पुरानी कैटरीना कैफ जो 2000 के टाइम पे उसकी वाइब दे रहा है। इसको पहनने पे अच्छा लगा यार। फ्रेम में आना नहीं भूलती। ये अच्छे ने मैं यहाँ का, और ये ना पहले एक लाइब्रेरी हुआ करता था। अच्छा, सच में क्या? मैंने किसी के में देखा था तब मुझे पता चला, मुझे भी नहीं पता था क्योंकि इतना हिस्टोरिक सा लगता है ये। हाँ, ये हमने बहुत बार बता रखा है, उधर होम सेक्शन है एंड मेन सेक्शन। रेशमा अब इसे रिजेक्ट करती है क्योंकि ये थोड़ा हल्का है अकॉर्डिंग टू हर, बट ये बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। कलर बहुत अच्छा है, और आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास ऐसा कलर कुछ है। मतलब गर्मी भी ठीक है क्योंकि यहाँ पे बहुत हवा चलती गर्मी। वो सुंदर सा लौंडा जो अभी गाने गाने वाला था उसका अकाउंट हमने ढूंढ लिया है। कितने काम के लोग हैं हम, जिसको भी फॉलो करना है कर लेना, मेरे को तो करते नहीं है तुम लोग। अब गा रहे हैं, उसको पता चल गया कि हमने उसका इंस्टा दिखा दिया है। ये इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। मैंने ना ये अभी लगा लिया क्योंकि मैं घर से लगा के नहीं आई, मैं भूल गई थी आज लगाना। मेरा दिमाग बहुत चलता है ना इसी उल्टी सीधी चीजों में। इसमें थोड़ा सा टेस्ट वाला लग रहा है मेरे को। आई लाइक इट, आई लाइक इट। ये सब भी है, ये बहुत क्यूट है। भाई ऊपर देखो क्या सही चीज है, जिसने भी बनाई है चुम्मेश्वरी काम किया है अपने। शोक में फासन मार भी आ रहे हैं। क्या फैशन अरे भाई, ये सब फैशन नहीं करती मैं, यही करती है ये अटपटे से चीजें। कितना महंगा है, अबे सेल लग गया तब भी महंगा क्या? अबे $70 बता दी जाता है, कभी देखें कुछ नहीं देखा, तभी मैं देखना भी नहीं चाहती। करना तो कर, वो देख रहा है मैं, चल रही है तो खराब है। फिर वो अंकल भी मारने वाला था। ये कितना कूल है, क्यूट है ना। मुझे ये सबसे अच्छा लग रहा है, ये वाला तो क्यूट है, पर ये महंगा तो है भाई, $700 का, $15 का, पर फिर भी अच्छा लग रहा है। अच्छा डिफरेंट तो है। हाँ, वो ये पूरा आ गया मेरे में। हाँ, पर ये दीदी के हाथ में सूट नहीं कर रहा क्योंकि ये ब्लैक है। वो मेट्रो का कलर कितना प्यारा है। अभी हम कहीं पर जा रहे हैं खाने के लिए, वो कितने दूर में है? 3 मिनट में। वेजी ट्राइब, लेट्स सी क्या अंदर क्या मिलता है, और बैठने की जगह है ही नहीं। अरे हाँ, ऊपर भी है। नाइस, लेट्स गो। लोग क्यों नहीं है? मैंने $20 कर दिया है, वन टाइम का ऑफर है, तो फिर इसमें प्लेट में जितना भी आएगा भाई, ये 1.5 फुट के प्लेट में कितना ही आएगा, पूरा पहाड़ को तुम मीनार बना देंगे। मुझे लग रहा है क्या शादी में बराती आ गए। बड़े बकवास है यार ये, दिखने में तो अच्छा लग रहा है। आई डिडंट लाइक इट। पता नहीं चाउमीन है क्या, खा तो अभी भी जी क्या मानते भाई, बहुत सारी चीज़ों की कमी है, नमक तक नहीं है इनके पास क्या। कुछ डंकी है क्या इनके रेस्टोरेंट में, कुछ भी नहीं है। Bombastic side eye. ये नाम से खाया भी नहीं गया, इतना अच्छा भी नहीं था ये, तो हमने यहाँ पे छोड़ दिया। थैंक्स। वो नाम भी वहाँ पे रखने के लिए क्योंकि हमने बफे से लिया था एंड वी डिडंट लाइक। सच में अच्छा नहीं था, क्या बताऊँ मैं, मतलब इंडियन टेस्ट बड था ना, सुर था ना, ताल था, जो भी हम लेके आए थे वो सारे अजीब थे। बस मुझे ब्रेड पकौड़ा है अच्छा लगा, बाकी नॉट वर्थ इट। सच बता रही हूँ, $20 भी बहुत ही होता है गाइस। भाई गाइस, मजनू भाई की पेंटिंग, मजनू भाई का इलाका है ये। खाना
खाना तो खा लिया है, अब हम जा रहे हैं थोड़ा बोबा टी वगैरह पीने के लिए न्यू जगह, क्योंकि हमने सोचा है कि न्यू जगह एक्सप्लोर करेंगे। एक ही जगह एक चूहे के जैसे नहीं बैठे रहेंगे, नहीं कुएं के मेंढक जैसे नहीं रहेंगे। पहुँच गए, यही है, पर इसमें कोई है क्यों नहीं। और ये क्या बिक रहे हैं यहाँ पे? अरे वाह, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पे तो। और ये उनका इंस्टाग्राम है। मुझे ये वाला चाहिए, मैं क्या डिसाइड करूँ किसी के लिए, मैं कौन होती हूँ किसी के लिए डिसाइड करने वाली। मिल्क लाटे लेना है या फिर ये डबल एक्सप्रेसो शॉट? नहीं, स्मूदी फ्रूट टी, फ्रूटी तो मत ही ले, और ये तो मत ले थ्री क्यू क्रश, ये तो बहुत ही नाक हैवी दे रही। ऑलराइट, अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप समझ ही सकते हो, वहाँ से ऑर्डर करने से अच्छा है हम ये प्रिफर करते हैं। कोकोनट का तो प्यारा बना हुआ है, देखना। मैंने इसे बोला इसे फेंक दे, तो बोल रही है वीडियो बना दो। डस्टबिन में फेंकते वक्त भी देखो कि हाँ भाई कहीं सही सही लड़की है, सारा काम करती है, आप लोग की नजरों के सामने अच्छा बनना चाहती है। ये देखो ये देखो, निकल ली निकल ली, लड़की है। आज बहुत सारी शॉपिंग कर ली है, और एक टी शर्ट खरीदी है उसने। यार कुछ भी नहीं मिलता है, पता नहीं आजकल क्या हो गया, मेरे टेस्ट को कुछ हो गया कि यहाँ के लोगों के टेस्ट को कुछ हो गया है, बजट की कमी इसलिए हो गया है, पता नहीं यार। मुझे कुछ भी आजकल अच्छा लगता है यहाँ पे, खाने के अलावा कुछ नहीं ध्यान जाता। सब कोरिया का है यहाँ पे, कितना सुंदर है ये वाले, ज़्यादा सुंदर है ये, सो प्रीटी। और ये देखना ये सारे, व्हाट इज दिस, शेम शेम। ये देखना ये कैंडल कितना प्यारा है गाइस, कॉफी फ्लेवर, दिस वन इज आल्सो गुड। यहाँ पे देखो ना, मेकअप करने के लिए कोरियन लोगों की बात ही अलग है यार, है ना, मतलब हर एक जगह में मेकअप करते हैं भाई, वैसे अच्छा है, काफी अच्छा। क्या है पता नहीं भाई, ये सब मेरे समझ के बाहर है, शीशे ही शीशे, ताकि लोगों को पता चले ना वो कितने खूबसूरत हैं। अरे हाँ, इनका मेकअप बहुत अच्छा होता है ना, ऐसा तो मैंने भी सुना है, मैंने सुना है इनका मेकअप और स्किन केयर चीज़ें बहुत अच्छी होती है। तो नेक्स्ट टाइम मैं रिसर्च करके आऊँगी और कुछ लूँगी। मुझे लगता है मुझे अपनी जीवन में इसकी ज़रूरत है, हाँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे आईब्रो बहुत झुकी झुकी हैं, झुकी हुई नज़रें को ये उठा देगा। भाई ये क्या देख लियो, एकदम तगड़ी चीज़ देख लियो, ये देखो ना भाई, ये पता नहीं, हाँ जा ही सकते हैं, कितना सही है यार। जो भी है मैं तो यहीं पे रहना चाहती हूँ, बाहर रेशमा तू घर जा। हाय प्रभु, क्या गजब की चीज है। मुझे सच में इस बार समझ में नहीं आता क्या गिफ्ट दूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने दिया था वो तो दे दिया था, पर इस टाइम मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने इसको पूछा कि जो चाहिए वो ले लो, आई विल पे फॉर इट। आपने खाना खिला दिया वही काफ़ी है, जो खाना जो आपने रिकमेंड किया था, पर बबल टी वर्स हो गया।